गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। आज भी आज आज ओए, हमने सेम कलर पहना हुआ है। ये देख, मैं तो नहा के पहना है, तूने तो बनाया भी नहीं है। मैं कल ही नहा लिया था। कल तो हम बुधवार नहाए और बीच में हम तीन तीन बार नहाए वहां पे। ज्यादा शो ऑफ मत कर। तुम नहा ही नहीं हो। डूची कलर पहना है। हाँ, डूची डू। ये दोनों भाई भाई बहन पनीर है, पनीर। ये तो करेक्ट किया। ऐसा ही हम लोग सब लोग का आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या कर रही है सुबह सुबह? तो बढ़िया करके दिखाया यार। ये बात की दूसरी एक्टिंग भी तो भाई बहुत अच्छी लगी। हे भगवान, अब तो बहुत अच्छा है। ओ इसको इसको नंद भाई में स्टार्ट कर लेना यार। सेकंड नंद बनाओ। अरे टेडी और गुची दोनों वहां चले गए। अभी नीतू क्या करेगी? नीतू करियो एक बार। बाय ब्राउनी, बाय। मम्मा मम्मा गेट खोलो, गेट खोलो। गई नीतू। चला आज हम लोग आ गए दूसरे घर में पूजा करने के लिए, मैं और सैंडी। और देखो कितनी अच्छी आवाज सुनाई दे रही है। बगल में भी पूजा होगी। तो हमारी घर की घंटी कैसी है? तीन बार बजती है। गाइस, मेरे को ना इतनी अच्छी अच्छी बातें लगी आपकी। मंदिर, एक तो सबसे पहले आपने एक कॉम्प्लीमेंट ये दिया था कि पूजा घर के सामने ही हमारा ऑफिस रूम है, तो सबसे अच्छी चीज तो ये है, सारी पॉजिटिव वाइब सामने जाएंगी। और दूसरी चीज आपने बोली थी कि मैं ये चीज कवर करवा दूं। आई नो ये मैं कवर करवाऊंगी क्योंकि चप्पलें दिख रही है मंदिर से, उधर चप्पल नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्टन लगेगा, अभी यहाँ पर कर्टन लगेगा। अभी आप हमारे मंदिर में थोड़े चेंजेस देख रहे होंगे। ये भी लग चुका है, इसके अंदर लाइट्स लगेंगी, छोटी छोटी लाइट्स। और ये हम लोग मूर्तियाँ लेकर आए थे भगवान की, ये आज स्थापित करनी है हमें, तो ये भी आ गई है। ये वाला जो है ये नज़र रक्षा है, ये गेट पर लगेगा, है ना सुंदर? माता रानी को हम साथ लेकर आए हैं अपने कलकत्ता से। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री। शादी हो जाए भगवान से, धन दौलत सब कुछ मांगती। सुबह 9 बजे। भाई बहना, हमारी दीदी जा रही है अपने ऑफिस में। अरे मेरा ना सामान खोता ही रहता है। फेस वॉश जो मैं कोलकाता लेकर नहीं गया था वो खत्म हो गया है घर पर भी, बट उसके 3-4 और एक्स्ट्रा रखे हुए थे और अभी एक भी नहीं मिल रहा है। क्या होगा? ये नीतू को देखो जी, कहाँ पे रख रखा है। मैं इसको बोल रहा हूँ एक यहाँ पे, वो होता है शेल्फ होता है यहाँ पे, कहीं लगवा लें, इधर लगवा लें, क्योंकि ये वाली जो शेल्फ है इस पे तो ये आ ही नहीं पाएगा, साइज में बहुत बड़ा है। मैं थोड़ी सी बियर्ड भी ट्रिम करूंगा, और बियर्ड ट्रिम के लिए क्या है ना, यहाँ से अजीब सी शेप बननी थोड़ी सी। जो भी लड़के वीडियो देख रहे हो याद रखना, तो बहुत लाइट हैंड से मैं इधर ट्रिमर लगाऊंगा ताकि शेप मेंटेन रहे बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा कट ना हो। भाई बियर्ड मैंने ज़्यादा ही शॉर्ट कर लिया, चलेगा, कोई नहीं, अपनी क्या बोलते हैं अपनी खेती है, अपने आप बढ़ जाएगी, थोड़े बहुत दिन की बात है। तूने पूजा कर ली है ना वैसे? मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी जल्दी कर। सुबह 9:30 बजे। तो यहाँ पर मैं साड़ियाँ खोल रही हूँ और सबके लिए निकाल रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए साड़ियाँ ली है, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं। राष्ट्रपति भवन में एक मेरी मम्मी के साथ काम करती हैं, तो आंटी के लिए भी, रेनू नाम है आंटी का, तो उनके लिए साड़ी ली है। और वो मुझे मैसेज कर रही थी, वैसे तो उनको पता नहीं था मैंने उनके लिए ली है, लेकिन मैं राष्ट्रपति भवन जाते हुए मम्मी को भी साड़ी लेकर आऊँगी और उनको भी। और उन्होंने मुझे बोला कि इस टाइम पर सिंदूर देना बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं सिंदूर जब सबको दे रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सबके लिए साड़ियाँ आप निकाल रही हूँ। कल तो मैंने सिर्फ एक ही साड़ी निकाली मॉम के लिए, मैं कर फिर टाइम नहीं मिला, तो अब मैं सबके लिए साड़ियाँ निकाली। तो एक मेरे लिए है पूनम दीदी। पूनम दीदी ने ना वैसे ना यही साड़ी बोली थी एक लेने के लिए, उसने नहीं ली, तो मैंने उसके लिए ना एक ज़बरदस्ती एक साड़ी लिया, वो मैं दिखाती हूँ, बहुत फेमस साड़ी है वहाँ की। बाकी ये एक वैष्णवी के लिए लेकर आई थी, तो ये तीनों साड़ियाँ भी अलग कर देती हूँ। वैष्णवी है नहीं, वो अपने एग्जाम्स देने के लिए गई है पूना, जब वो आएगी तब उसको दूंगी। बाकी अभी इसको अलग करती हूँ। ये पिंक साड़ी मैंने अपने लिए ली थी, कितनी सुंदर है ना यार। बड़ी परेशानी वाला टाइम है,
मेरी सासू माँ का हाथ जल गया है, पता नहीं कैसे जल गया, हमें अभी पता लगा, हम लोग सीधा दिल्ली निकल रहे हैं। मैं, नीतू, पूनम दीदी ऑलरेडी पहुँच गई हैं, उनको जैसे ही पता लगा वो सीधा निकल गई दिल्ली के लिए। हम लोगों को थोड़ा लेट बताया है, मतलब लेट बताने का मुझे रीज़न समझ नहीं आया, उनको क्या लगा कि मतलब हमें पता होगा हम टेंशन में आ जाएंगे तो बताएंगे नहीं, कभी कुछ भी हो जाएगा तो, ऐसे तो हमें कुछ हो जाएगा हम भी नहीं बताएंगे फिर, ये तो कोई बात नहीं है ना। कर क्या रहे थे वो हाथ जलने के लिए? और अभी भी पता है, जब पता लगा हम आ रहे हैं तो पूछ दिए कि मैला खाने के लिए कुछ खाना बना दूँ, कड़ी चावल बना दूँ, एक घंटा मेरे पास। हद होती है यार, मतलब आपका हाथ जला हुआ है और खाना बनाने की लग रही है आपको भी मेरे लिए, कोई खातिरदारी करने के लिए मतलब कराने थोड़ी ना आ रहे हम लोग। ये तेरी गोद में नहीं आता है? आ जाता है। अभी क्या कर रहा था तेरे साथ? साथ ही सोता है। गाइस ये ना झूठ बोल रहा है पुनीत, इसका क्या होता है, टैडी को जैसे ही पता लगता है कि नीतू कहीं जा रही है और हम इसको अंदर भिजवा रहे तो गुर्राने लगता है कैसे, और अगर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो डराता है, फुल कोशिश करता है डराने की। मैं तेरी शक्ल डरावनी नहीं है, इतना प्यार अच्छी शक्ल ले कैसे डरा देगा तू, ये बता। ये देखना इस चार से कोई कैसे डरेगा, ये देखो ये देखो, तू नहीं डरा सकता जान, जो डरा सकता है वो आराम से सो रहा है, जिसका सच में टेरर है इसका तो। सर आपको पता है कि लखन की आदत क्या है, जैसे हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं और दिल्ली, यहाँ से दिल्ली एक घंटा लगता है अपने को, तो लखन सो चुके हैं, अभी देखो मैं क्या करने वाली हूँ। एक तो मेरे कॉल्स इतनी, लखन लखन तुम उठे हो? अरे मैं भाई कट कर रही हूँ तब भी, सुनो मेरे नंबर पे एक बार कॉल करना, मैंने ट्यून चेंज करी है अपनी, ये जो टेन होती है ना तुम्हारे, जब तुम मुझे कॉल करोगे तो दूसरी ट्यून है। चलो तो अभी देखते जब लखन की फ़ोन आएगा, किसी नाम से नंबर सेव कर रखा होगा बस उल्टे सीधे नाम से, अरे यही है। नहीं तुम दूसरे नंबर पे कॉल कर रहे हो भाई, मेरे पर्सनल वाले पे नहीं करना, मुझसे कर ले। हो गया, तो ये है लखन का नाम आज से। कितना बड़ा जोक मार दिया मेरे बात। तो इस प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हमारी ईजा अभी ऑफिस में है तो इसलिए हम पहले जा रहे कीर्ति नगर, क्योंकि आपको पता है हमारे नए घर में रेनोवेशन चल रहा है, वहाँ के लिए कुछ सामान लेना है। कीर्ति नगर में नहीं, लेकिन कहा बहुत बड़ा है यार कीर्ति नगर तो, मैं बोर हो जाता हूँ जब भी वहाँ जाता हूँ यार, मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी वहाँ। जल्दी फ्री हो जाओ, जाके बस चलेंगे फिर। अब उन्होंने मेरे लिए ना कहते हुए भी, मतलब रोकते हुए भी उन्होंने मेरे लिए झोई बना दी। सही में? हाँ बना दी, भी फोन पे बताया उन्होंने मुझे। अब क्या करूँ भाई? नहीं यार मैं तो मना कर दिया था, उन्होंने बना दी ना, मैंने मना किया था। हाँ, पता क्या हो रहा, मखाना दे रही है मेरे को हाथ में पलट देती है चार पाँच मखाने, ठीक है उनको मैं खाता हूँ एक करके, खुद लेती देखो इसमें कैसे पलटती है, एक बार दिखा दे, बस एक बार दिखा दे, देखना दिख रहा है ना, ये लो जी, एक ही बार में 6-7 मखाना खुद खा जा रही है। बहुत चालाक। वाह नीतू वाह, मैं बहुत देर तेरी चालाकी देख रहा हूँ ये। नहीं मैंने फास्ट है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा मैंने फास्ट ही तो। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अरे एक हो जाए, शुरू शुरू में इसने भर के दिया मेरे को, ठीक है अगली बार मखाने कम होते रहे। एंड में तो समझ रहे 3 मखाने थे। एक एक और दियो, ये है जी मखानों की फौज पूरी। ये फर्स्ट ठीक है तेरा नहीं, तू कचर 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 बहुत देर से कचर कचर चले ही जा रही है तेरी। पापड़ी तो खा रही हूँ। हाँ तो मतलब कह रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ खा ही रही है। तुम लगते देखो 8 दिन पास पता चल जाएगा। क्या अरे यार पकड़ देखते नहीं। अच्छा मुझे मतलब उल्टा मुझसे कह रही है, मैं नहीं देखता, यहाँ अपने को पास बनवाना है एंट्री के लिए। साड़ी भी ले ना जो सासू मॉम के लिए ली थी हमने। यस तुम्हारी सासू मॉम है? मेरी सासू मॉम। ये तेरी सबसे पहली स्कूटी है ना? सबसे पहली अगर मैंने कुछ चीज ली थी बहुत ही महंगी तो वो ये थी। तो ये धूल क्यों खा रही है इसको, वहीं ले चल फिर कम से कम, अरे वहाँ यूज में आ जाएगी ना हमारे। कौन लेकर जाएगा? अरे हम लोग हैं भाई साहब। जी भाई साहब इधर ही आना, इधर ही आना। गलत क्या चीज, रास्ता गलत हो पर मंजिल ठीक है। नमस्ते, पहले तो हाथ दिखाओ, हाथ में कहाँ लगी आपकी, कहाँ चली हो, कहाँ जा रहा है ये? अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, हुआ कैसे ये? भाव लग गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। तो लाल क्यों हो रहा है, कुछ नहीं है तो ठीक है, इतना तो होता रहता है। अरे बताओ ना, क्या क्या कर रही थी आप, ये बताओ क्या कर रही थी आप? अरे नहीं बर्तनों को गर्म था ना, क्या बर्तन गर्म था, तवा गर्म था, ऊपर नल खोल दिया, अभी तो कुछ नहीं है, कल तो बहुत था। अरे बाप रे यार, कुछ लगाया इस पे? Yes. ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको मैंने जब मना किया था खाना मत बनाओ गैस पर मत जाओ, गरम गरम तो और लगेगा। कुछ नहीं यार सब ठीक ठाक। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हो, अब ये बताओ। एक बार इस पे कुछ लगाया आपने? हाँ, हाँ, क्या? दो तो नारियल का तेल।
एक बार डॉक्टर को दिखा लो ना, इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा जला है। अरे बेटा मेरे रतन जोर से मेरा हार्ट ठीक हो जाता है। ऑफिस से जाना है? ऑफिस जाऊ 3 बजे। अरे मानते नहीं है, दिक्कत नहीं, नहीं, रतन जोर से ठीक हो जाता है। किससे ठीक हो जाता है? रतन जोर और नारियल का तेल। रतन जोर क्या है? अरे पत्ते से होते हैं ना, पीस के रखे हैं मैंने। यार मान जाओ नहीं, तो हॉस्पिटल ले चल मेरी बात। तो ड्यूटी मत करो ना यार, काम करते क्यों, समझ नहीं आता यार। बंद करना अब घर घर का टॉयलेट क्या है? पंखा चला। कौन पूनम सो रही है अंदर? क्या कर रही है? कौन सा टाइम इसका सोने का? दिव्या का तो मुझे पता है, चलो वो तो सोती है पूरे टाइम। ये क्या कर रही है दूसरी? तेरे फीवर भी, हाँ 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 समझ गया, नजर लग गई तेरे को? ना ना तेरे को नजर लग गई भाई। सुनो पूनम बहन पे और कोई काम नहीं है, जब भी नींद आती है नजर का बहाना लगा के और सोती है मस्त अपना। This is business. ये जो हम वहां से लाए हैं प्रसाद, तेरे को याद करते करते लो भाई, मेरी पसंद की है। कैसी है? कहाँ? कोलकाता से। हाँ अरे तुझे नजर लग गई यार। यार एक बात है, हमारी पूनम बहन को कोई कितना भी निकम्मा, कोई कितना भी आलसी, कोई कितना भी सुस्त कह दे, बट यार ये देखो लड़की मेरे लिए कड़ी चावल लेने आई है। ला दे दे यार तू, कोई बात नहीं, तड़का मारना है फिलहाल, तड़का मारना। हाँ तू कोई बात नहीं, तड़का ही लगा दे यार, अच्छी तो है, कुछ काम तो आता है एटलीस्ट तेरे को यार। इसको क्या भाई, मैं तेरे खीरा काटती हूँ, मैं दामाद की सेवा कर लूँ। इसमें जहर निकाल खीरे में से पहले सारा, निकाल दिया। और अपने मन से भी, मेरे मन में जहर है ही नहीं, मेरे मन में जहर होता तो मैं ऐसी होती नहीं। और कैसी होती? दूसरे टाइप की होती फिर मैं। दूसरे टाइप कैसा होता है वो बता दूंगी कुछ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मतलब जहर आएगा तेरे अंदर कुछ दिनों में। देख ऐसे जहर निकलता है। कैसे? ऐसे कड़ी चावल। बहन एक चम्मच और दे दो, मैं 2 चम्मच से खा पाता हूँ, थैंक यू। ये अचार नीतू ने बनाया था वही है ना? नीतू इस बार अचार कब बनाएगी? तुम्हारे गर्मी तो शुरू हो गई। आम तो आए। हमारी ईजा ने बोला कि मुझे खाते हुए व्लॉग में मत लेना, दुनिया खाती है, हम तो खाते हुए खूब लेते हैं व्लॉग। देखा ना क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पानी भी निकल रहा है। हाँ ये ऐसे रख दे। मैं क्या कह रहा हूँ ना, प्लीज सब लोग आप प्रे करो हमारी पूनम बहन के ऊपर, जो नजर लगी हुई है वो ठीक हो जाए। फीवर है, नजर नहीं है भाई। हाँ फीवर है। फीवर तो नहीं है तेरे को? इतना ठंडा फीवर मैंने किसी को नहीं देखा जितना इसको हो रहा है। मैंने हाथ पकड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर कह रही अंदर हो रहा है। रुक जा मैं देखती हूं। अबे ये ओवर एक्टिंग, ये क्या है? अंदर 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 मार क्या है? इधर भी हाथ चल के मम्मी की तरफ। और खाले अच्छा देख, बना पड़ेगा खाले में रो मत लो। क्या हुआ? बाय ख्याल रखना अपना, ठीक है। इस जले हुए हाथ को आपने जो बोला ना, जो भी आप लगाने वाली उस पर रामबाण इलाज वो कर लो, वरना परसों डॉक्टर के ले जाऊंगा, ठीक है। नहीं पोड़ आज मान नहीं रही है, आज इन्होंने बोला है कि बेटा मेरे पे देसी उपाय है, कुछ देसी उपाय कर लो, तुम कुछ नहीं देखे जा रहे, ठीक है, बाय बाय। गाड़ियां लग गई यार आपस में, दोनों गाड़ियां लग गई हमारी, इसकी खिड़की खुली हुई थी, इसमें भी लग गई, बट मेरे ख्याल से इसमें तो हमने वो लगाया हुआ है ना पीपीएफ, पीपीएफ तो ये तो चल ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा, इस पर नहीं लगा उस वजह से, बट ये देख ये तो दब गया पूरा यार, डेंट हो गया ना। हमने सासू माँ को देख लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कीर्ति नगर, जो कि दिल्ली का है सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट, और वहाँ पर कुछ शॉपिंग करेंगे हम अपने नए घर के लिए जो रेनोवेशन हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इंटीरियर डिजाइनर है वो ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रही है हमारा। गाइज हम लोग ना कीर्ति नगर पहुंच गए, और यहाँ पर क्या है कैमरा अलाउ नहीं होता, अभी नीतू ने बताया जब लास्ट टाइम आई थी, लास्ट टाइम तो इसने आके बोल दिया था कि यहाँ पर आके ना आप लोग बार्गेनिंग जरूर करने, लोग बहुत पागल बनाते हैं, तो इसको नहीं पता जितने भी शॉप वाले हैं वो सब भी व्लॉग देखते हैं भाई, तो अगली बार पहुंची तो उन्होंने बोला आप जब हमारी शॉप पे लास्ट बनाई थी आपने, नीतू कुछ तो बोलेगा पता है, ये सच बोलती हूँ मैं, फंस जाती हूं। इतना भी नहीं बोलते भाई, पता एक बार क्या हुआ, एक बार ना हमें एक ब्रांड है, अब आप उसका पता, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, देखो ब्रांड का नाम मेरे पे नोटिस आ जाएगा। उन्होंने ना हमें एक अपने शूट के लिए बुलाया, अब वो ब्रांड ई कॉमर्स ब्रांड है जिस पे आप जाते हो, है ना, उस पे से शॉपिंग करते हो बहुत सारी, और उस पे सेल लगती रहती है, अब आप अंदाज़ा लगाना कौन सा वो ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और उस ब्रांड का अपना एक ऐप भी है,
जिस पे आप मूवीज और वेब सीरीज देख सकते हो, अब आप अंदाजा लगा गए होगे, ठीक है। तो उनका एक शूट था, उन्होंने सामान भिजवाया भाई, उन्होंने बोलता है इसको आपको रिव्यू करना है बढ़िया बढ़िया सा। अब भाई पहला सामान हम लाइव पे, सोचो उस ऐप पर हम लाइव है, ऐसा भी नहीं कि हम एडिट करके डाल सकते, लाइव पे नीतू गई और पता है उनका सामान लेके ये उन्होंने भेजा जो कि एकदम बेकार है। भाई मैं इसका मुंह देख रहा हूँ, मैंने यूज किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं चाहती ना कि मेरी ऑडियंस वो यूज करे। संस्कार चाहे वो कितना ही महंगा हो सस्ता, यार मैं ट्रू अपने रिव्यूज दे रही थी। ये बहुत जल्दी ना पूरे बिस्तर बंद हो जाएगी हमारा सोशल मीडिया देखना। तो भाई झूठ क्यों बोले, जैसे हम लोग वैसी चीजें प्रमोट नहीं करते, क्या बोलते हैं बैटिंग ट्रेडिंग जिससे आप लोगों को लॉस। तो मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं अपने पैसे कमाने के लिए आपको क्यों झूठी चीजें बोलूं कि अरे आप ये ले लो ये अच्छी चीज। अरे मत बोल, मैं कह रहा हूँ झूठ क्या बोला, मत बोल करी मत, पैसे कमाओ लेकिन सच बात बोलो। अरे भाई सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ करी मत। अब उनसे हमने डील भी कर रखी है ना उस प्लेटफॉर्म ने, क्या हुआ तो मना कर दो भाई कि हम नहीं करने वाले, हमारे प्रोडक्ट नहीं सूट, जाके तू उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं की धज्जियां उड़ा रही है। सामान भर गया भाई पूरा कीर्ति नगर से, आ जाओ। काफी सारा सामान ले लिया हमने। अब अपने को सामान लेना है पूजा का और जो कल कन्या पूजन होगा उसका, दोनों का। पूनम मैन किधर जा रही हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है ना बहुत ज्यादा, है ना? आप लोगों ने देखा था ना जब हम कोलकाता में थे, तो जब हम सिटी में घूम रहे थे तो एक जो कैब थी ना उसमें हम सब लोग बैठ गए थे, करीब 6 लोग थे। अंकल कह रहे थे कि बेटा 6 लोग नहीं बैठेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। मैंने कहा अंकल देखो गर्मी इतनी आप ले चलो, पकड़ेंगे तो चालान के पैसे मैं दे दूंगा। उस टाइम बाद जाके अंकल ने बोला हॉट और गाड़ी रोक दी और कहा उतरो हॉट। मैंने कहा यार क्या कह रहे हैं, हट हट क्यों कह रहे हैं मेरे से। फिर उन्होंने बताया कि वो सच में ही हॉट कह रहे थे, क्योंकि बंगाली में मतलब हट को हॉट बोल देते हैं ना। तो फिर उन्होंने बताया कि इंजन गर्म हो गया है। मेरे को पूनम को देख के याद आ रहा है हॉट। अरे कहना क्या चाहते हो तू, हॉट जो है ना तू हॉट है पागल, इसको कॉम्प्लीमेंट ले, बीमार नहीं तू हॉट है। इस ताबूत के अंदर जो है वो आपको जल्दी खुल के दिखेगा। बाय बाय डूची के सबसे छोटे वाले भाई। तो छोटे खोल रहा है हमारी न्यू टेबल जो कि आई है सेंटर के लिए। अब मैं आप बोलोगे कि सेंटर की मैं क्या बोल रही हूँ, वो इस जगह के लिए आई है और मुझे अब ऐसा लग रहा है वो छोटी हो गई, हमें थोड़ी सी और बड़ी चाहिए थी। ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है जब कोई नासमझ इंसान जाके शॉपिंग करता है लाइक मी। छोटे छोटी नहीं हो जाएगी टेबल? नहीं यार ये तो नए वाले घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, दूसरी वाली है ये। दिखा नीचे से वाइट है, ये नए वाले के लिए, छोड़ दे इसे, इसे ऐसे ही पैक रहने दे, इसको नए वाले घर में लेके जाएंगे। तो गाइस हमारे सोन दीदी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और वो मुझे मिस कर रही है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ और उनको बहुत सारी किसेस, मैं किस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। हम लोग नहीं कर सकते। ओए अब तो आपकी शादी होने वाली है, चल शादी है करो ना। या प्लीज मैं अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यही सब करती रहूँ, ठीक है? प्लीज जाओ और मुझे काम करने दो, मेरे पास बहुत काम है, आप प्लीज। वाह 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 वाह, क्या काम करे। कल भी सोते जब मैं सो रही थी तभी ये मूवी देख रही थी, मैं कह रही दीदी लैपटॉप बंद कर दो, सो जाओ बहुत लाइट्स आ रही है। खत्म नहीं हुई कितने घंटे की ऐसी? 2 घंटे। बाप रे 2 घंटे वेस्ट। मैं अपनी सीरीज देख रही हूँ और वो 2 हफ्तों से देख रही हूँ, वो खत्म नहीं हो रही, और जबकि वो 3 घंटे कुछ की है। हाँ सुधीर, सुधीर आया, क्या लेकर आया सुधीर? कैंपा किसके लिए लेकर आया है? आई मीन कोको कोला। आप पी लो। मैं तो पीती नहीं। फिर मैं किसके लिए लाया, ये नहीं बोल रहा अपने लिए लाया, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या बोलना चाहती हूँ आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं। थोड़ा कम स्टार मारा करो समझे, और योगा कर लो, योगा को कोई ऐसा नहीं दिख रहा भाई। योगा वाली टीचर अगर हमें देख रही होंगी तो मैं बता दूँ, मैं पता क्या कहती सुनी दीदी को, संदीदी को क्या कहती, संदीदी कहीं योगा करने के लिए डे बंद कहती। कीर्ति आपको स्ट्रेंथ के लिए करना है या फिर आपको अपना वेट लूज करना है? उनका पता संदीदी कितनी मोटी हो गई है। कितनी नहीं, उन्होंने बोला था कि बस नहीं लग रहा है थोड़ा सा, ऐसे बोला था वो। तो आपको ऐसे ही करने के लिए बोले। अब आपका वेट कितना है? 48। मैं भी अपना वेट चेक कर लूँ क्योंकि मेरा फास्ट था तो मेरा 45-46 हो ही गया होगा। इतनी भोली शक्ल क्यों है इसकी, क्यों है क्यों है क्यों है? मम्मा को कट्टी कट्टी पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया तुझे मैंने, हैं? देख रहे हो बेटा क्यों भौंक रहा है, किस क्यों भौंक रहा है? कहीं आजकल लखन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हर एक बात पर गुस्सा किया जा रहा है। और बता दूँ मैंने अपनी मम्मी को मैंने बात चेंज कर ली क्योंकि लखन यहाँ पर ब्लॉग बना रही, मैंने ब्लॉग नहीं देखा लेकिन मुझे पता है ये सो ठीक नहीं होगा। अभी भी लाइट है क्या?
अब ठीक है, अब लोगों को ठीक नजर आ रही होगी, मुझे छींक आ रही है, जुकाम। हटो 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 हटो। गाइस मैं बता दूं कि मम्मी को मैंने अभी वीडियो कॉल करा था और मम्मी के तरफ और उस जहाँ से वो बर्न हुआ है वहाँ से पानी निकल रहा है, तो कॉलगेट लगाने के लिए बोला है बहुत सारा, देखते हैं। मम्मी ना सुनती नहीं है किसी की, मम्मी को बोला डॉक्टर के पास जाना है तो नहीं सुनती है। क्या तेरी तरह है, तेरी तरह कैसे, तुझे लोग जब से कह रहे अपना ब्लड टेस्ट करा ले। कोमल दीदी यार फास्ट करा, मतलब सच में एक नमिता आंटी और कोमल दीदी, मैं सोचती हूँ यार ये ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन ये कोई ऐसा रिलेशन है। अब रुक जा भाई से दोबारा ठीक कर ले। मैं क्या बताऊँ, कोमल दीदी मेरे पीछे बड़ी एक हफ्ते से कि ब्लड टेस्ट करा 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 करा, और मैं इतनी बेफिक्र हूँ कि मैं करा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर मैंने अपना ब्लड टेस्ट कर रहे हो तो मेरे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और मेरा हाथ मूव नहीं कर पाएगा। ब्राउनी क्या खा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बाबू की मशाज होती है ऐसे। बाबू कितना प्याली है, कितनी कल से तो मैं इनको किस कर पाऊंगी यार, मशाज भी मेरे फास्ट ओपन हो जाएगा। बाबू किस करो, बाय बाय गाइज, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट्स भी कर देना और बहुत सारा प्यार देना। बाय।